की स्लोगन के रूप में आपका क्यों ना हो एक प्रोग्राम जाने देते। आप लोग अपने अपने लेवल पर, आप सारे के सारे तमाम विभिन्न जातियों धर्मों और समुदायों क्षेत्रों से आए हुए लोग, लेकिन हम सबका प्रेरणा स्रोत अशोक है, महान अशोक। इस महान अशोक के वारिसदार हैं तो उसकी बात को बना लो। अगर आपसे वारिसदार से अगर बाप अच्छा है तो उस बेटे का नाम होता है। अभी 2300 साल हो गए अशोक को, अगर हम बच्चे हैं उनके वारिस हैं तो अगर हम अपने लायकी अपनी काबिलियत सिद्ध करेंगे तो हम अपने बाप का नाम अपने पुरखों का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर ये जिस इसका स्लोगन को घड़ा गया, क्रिएट किया गया, कंस्ट्रक्टेड किया गया, ये सदस्य जी नहीं बनाए, ये कई वर्ल्ड इधर उधर आगे पीछे करने के बाद फिर कहीं की कहाँ चीज होना चाहिए, किससे क्या चीज निकली, एक्शन कहाँ से दिखेंगे, इसका अंग्रेजी में भी आपको ट्रांसलेशन आए, अंग्रेजी में भी आपको फेसबुक पर मैंने अंग्रेजी में भी वो डाला है, चलो आप देखेंगे तो वापस मिले, लेकिन अभी अपने टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा और हमारा हर एक वक्ता के पीछे पोस्टर के रूप में भी ये स्लोगन आ जाएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। तो ये बहुत सोच समझ कर कास्ट को 21वीं शताब्दी में कैसे डायग्नोज करके कहाँ कहाँ चुक गए वो समझना और समझ कर समझाने वाले बनना, एजुकेशन फिलोसफी में महापुरुषों ने कहाँ कहाँ कौन से लिंकेज हम नहीं समझ पाए थे वो समझने की कोशिश करना और समझ कर समझाने की भी कोशिश करना, ये प्रक्रिया चालू हुई। थिंकिंग स्किल जो अशोक के समय के लिए अनिवार्य बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी, स्किल थी, उस स्किल को हर नागरिक तक पहुंचाना हम आप सबका काम है, उसको भी। इसके बाद जो हमारे बीच में से अभाव हो गया था, हमारे बीच में जिस चीज का अभाव हो गया था जिसको नष्ट करके कास्ट का निर्माण किया है वो है एबिलिटी टू कोऑपरेट। हमारे अंदर जो इमिटेशन एक्स कम्युनिकेशन और जितना भी एनक्लोजनेस, हमारे को बंद घर के अंदर बिना दरवाजे वाले चार मंजिली रात में हमको बिना दरवाजे वाले बना दिया, हम इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, इस प्रकार की जो सारा का सारा सिस्टम बनाया इसका हमने अक्सर हमसे पूछा जाता था कास्ट का विलोम शब्द क्या है, एंथोनियम क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है, हमने कास्ट का अपोजिट वर्ड कोऑपरेशन दिया। इसीलिए कोऑपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर, कोऑपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। अब आप सोच सकते हो कि हमने इस विचारधारा को कहां कहां किस तरह से, एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं है ये, अकेला पी आर अम्बेडकर श्रेय नहीं लेना चाहता इसका, ये पे बैक टू सोसाइटी की विचारधारा, पे बैक टू सोसाइटी कांशीराम जी का कंस्ट्रक्शन। हम तो उस कंस्ट्रक्शन को ताजा बनाकर रिन्यूअल करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल होता है, लाइफ इज द सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। प्रोफेसर जॉन डेवे की पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का, लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस और दैट इज डन बाय थ्रू द एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो इस तरह से हमने इस बीमारी को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। इस गहराई से समझने की कोशिश में हमें अगर किसी ने साथ दिया है तो वो प्रोफेसर जॉन डेवे और दूसरा महान सम्राट अशोक। इन दोनों ही महापुरुषों को हमने नए ढंग से अभ्यास किया, उनके शिलालेखों को अगर आज ही शिलालेख करके ऑर्डर दिया जाता अगर हमारी गवर्नमेंट से तो इसका क्या असर पड़ता, अगर वही ऑर्डर आज दिए होते, अगर आज अशोक का राज होगा तो वो ऑर्डर कैसे देता। ये बातें हम जब तरोताजा करेंगे समाज के दिमाग में तो मनुवाद रामराज नहीं आएगा भागता नजर आएगा, रामराज नहीं आएगा भागता नजर आएगा। और ये आपको गवाही देना है कि अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। भयमुक्त आदमी की सबसे, हम इंटेलेक्चुअल भी इंटेलेक्चुअल क्लास क्यों नहीं बन पा रहे, वो भी तो कहीं ना कहीं भय के शिकार है। हमारा अनपढ़ साथी थोड़ा पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, सभी भय के शिकार, क्योंकि कास्ट की जड़न घड़न उस लेवल तक गई है कि हम उस भय में हो जाए और भय के दीवारों को ना तोड़ सके, भय की दीवारों को ना तोड़ सके। अगर भय की दीवारें तोड़ना शुरू हुई वहीं से कास्ट का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, भय की दीवारें नष्ट होना शुरू होती है तो वहीं से जाति का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। हम एकदम नष्ट की बात करेंगे, हम तो डायनामाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बाबा साहब ने बोला जिस दिन वो डायनामाइट बनेगा ये उद्देश्य हो जाएगी, आप उसको श्रेय जाएगा, आपको श्रेय जाएगा। और बंजारा समाज इस देश का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल होते हुए विजिलेंस था,
मैं आप लोगों से बेहतरीन विजिलेंस की अपेक्षा भी करता हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। यस सर, जस्ट आई वांट टू रिप्लाई वन क्वेश्चन रिगार्डिंग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी मेंबर्स आर ओपन कैटेगरी। बोलो सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये जो भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एजुकेशन सोसाइटी है तो इन ट्रस्ट देर आर 11 मेंबर्स, 11 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 11 मेंबर्स 7 मेंबर्स आर फ्रॉम एससी कम्युनिटी एंड रिमेनिंग 4 मेंबर्स आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी। सो दिस इज द फिक्स रेशियो एंड देर विल बी नो एनी एंट्री फॉर ब्लड रिलेशन फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिमसेल्फ। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, SC always should be the chairman. SC will be the chairman and open from open category deputy chairman, fixed one. तो यहाँ कहीं ऐसा open category या ऐसा दिया नहीं है। तो 7+4 ये category है, 7+4 ये ratio है। तो इससे हमें ये formula मिलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का purpose था कि सब लोग इकट्ठा आके education में काम करें। तो दिस इज दी आई एम स्टूडेंट ऑफ PS मीन्स पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, हेंस आई नो द डिटेल्स, हेंस आई वांट टू शेयर यू। तो ऐसा नहीं था कि ओपन कैटेगरी के लोग ज्यादा थे। हाँ, जैसे कि प्रोफेसर MB चिटनिस, ही वाज़ द प्रिंसिपल ऑफ मीन्स मिलिंद कॉलेज विच इज मीन्स लोकेटेड एट औरंगाबाद। तो जो भी जिनके अंदर ब्राह्मण्य नहीं था, दे वेर क्लोज टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड दे respect his talent, intellectuality. So that we have to learn from that portion. Thank you. इस बात को महेंद्र जी मैं आपको जोड़ूंगा। इस बात में एक चीज को माना है, कांसीराम जी ने इसमें ऐड किया। जब उत्तर प्रदेश की सत्ता 6 महीने के लिए मिली तो उन्होंने अनुभव से सिद्ध किया कि ब्राह्मण इज द बेस्ट सर्वेंट और बैड मास्टर। वो मास्टर बेड है और अगर वो सर्वेंट के रूप में रखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करता है। और जब उनके वो सेक्रेटरी वगैरह लोग काम करते थे, ये दिन रात पसीना बहा के काम करते थे। ये तो ये हम कहाँ किसका सहयोग लेना है, वो हम इसी गिवन सिचुएशन में ऑपरेट होना होगा। बाबा साहब ने ये 1923-24 में एक फॉर्मूला अपना बहिष्कारी सभा के लिए रखा और मिलिंद कॉलेज के लिए रखा 48 में। ये चीज उस समय का अनुभव को हम रिजिड होकर नहीं चलेंगे, हम साथ लेंगे भी और साथ नहीं भी लेंगे। पर लेकिन दे विल नॉट डोमिनेट और कंट्रोल बी पीपल, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग विल बी द बहुजन समाज। और जो ज्यादा सफर हुआ है वो ज्यादा देर तक प्रमाणित रहेगा, निष्ठावंत रहेगा इस मूवमेंट में, क्योंकि जिन्होंने ब्राह्मण बात का फल चखा है वो इधर उधर डोलामोल होने की सकता है। इस बात को आज मराठा समाज पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का लीडर नहीं बन सकता, ही मस्ट बी सबॉर्डिनेट हियर। अगर उसे समाज परिवर्तन की लड़ाई में, अगर साहू महाराज की लड़ाई को जीतना है, शिवाजी महाराज की लड़ाई को जीतना है, उनके आरक्षण की भी लड़ाई को जीतना है, तो ही मस्ट कम विद PBSP एंड बिकम ए वन ऑफ द सबॉर्डिनेट इन दिस मूवमेंट। उसे अमर सिंह चौहान का सबॉर्डिनेट बनना। अगर वो अपने गरुर को कम करता है और बहुजन समाज का अंग बनता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा सम्मान का पात्र है। उसके सम्मान में किसी प्रकार की कमतरता नहीं होगी, पर हम डोमिनेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि डोमिनेंट के आधार पर आपने गांव में SC ST और OBC की तमाम मौजूदा जातियों को बहुत तंग किया है। इन्हीं के बच्चों ने इतना हमारे लोगों के साथ बहन बेटियों की इज्जत लूटी, ब्राह्मण लूटने नहीं आया। तो ये जो अभी महेंद्र ने बताया, जो कास्ट स्ट्रक्चर क्लास स्ट्रक्चर, वो एक रिजिड नहीं है। वो बाबा साहब ने उस समय प्रयोग किया था जब हम कुछ जागरूक नहीं थे, उस समय प्रयोग किया था। अब हम जागरूक हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ब्राह्मण की नस समझ में आ गई कि इसने हमारे अंदर का कोऑपरेशन नष्ट किया है। हम किस तरह से कोऑपरेशन को बिल्डअप करें, ऑपरेशन को हम किस प्रकार से बिल्डअप करें, रिकंस्ट्रक्शन करें, रीस्ट्रक्चरिंग करें, यह हमारी कुशलता दिखाएगी, ये हमारी एफिशिएंसी दिखाएगी। इसमें जितने ज्यादा हम इंडिविजुअल लेवल पर एफिशिएंट बनना चाहते हैं,
ग्रुप लेवल पर बनना चाहते हैं, क्लास लेवल पर बनना चाहते हैं। जिस दिन हमारे समाज में, भोजन समाज में एफिशिएंसी आ जाएगी और कलेक्टिव एफिशिएंसी, कोऑपरेटिव एफिशिएंसी, तो डायनामाइट का काम करने लगे। आपको ताजुब होगा कि कलेक्टिव एफिशिएंसी आने तो दीजिए जरा, अभी तो हम केवल कन्विंस हो रहे हैं, दिल जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। अभी तो ये तो हमें बुलाना है, अभी तो ये पीबीएसपी है, अभी आगे और लड़ाई है, ये तो हम बोल ही नहीं रहे ना, हमने तो अभी अंगड़ाई लेने की बात ही नहीं की है। तो आज ये हम बहुत सारी बातें धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ, अपने समाज को नियोजित करते हुए, प्लांड वे में, दूरदर्शा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, फॉरेन एस्पेक्ट, रीजनल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्टों को ध्यान में रखकर आप ही लोग हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के इंचार्ज, ऑल आर बिलोंग टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबने रिसर्च करना चाहिए और कंसल्टेड होने के लिए अगर हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया। इन्फॉर्मेशन हम तक, दुश्मन की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, यू विल गेट मोर पावर। और इससे ये आज 50 लोग हैं, आज दो घंटे होने जा रहे हैं, 5 मिनट बाकी हैं, आज 50 लोग आज यहाँ पे इतने दिन तक स्टैंड किए हैं, 5-6 लोग ही गए हैं, 50 लोग आज इंटैक्ट बैठे हुए हैं। ये हमारे को, हमारे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को एक्सेप्टेबिलिटी, और इसके अंदर कुछ ताकत है, इस प्रोग्राम में कहीं तो भी ताकत है, इस कॉन्सेप्ट में कहीं तो भी ताकत है, ये लोग कहीं ना कहीं आप लोग रियलाइज कर रहे हो, हम इसे महसूस कर रहे हैं, ये हमारे को आत्मविश्वास दे रहा है, उत्साहवर्धन कर रहा है, और हम आपका भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आइएगा, ये मिलकर काम करने की बात है। यहाँ पे पी आर अम्बेडकर, राजाराम आनंद जी, नारसिंह जी, या अमर सिंह राठौर, या सुरेश गमरे, या और भी बहुत सारे ट्रेंड एक्टिविस्ट है, वी आर नॉट फाइनल, यू आर ऑल बिकम द फाइनल। What I'm saying, मेरे शब्दों को पकड़िएगा, we all become final. हम जितने ज्यादा जुड़ते जाएंगे हमारी ताकत उतनी बढ़ेगी। आप लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हो, आपने अनुभव लिया है, 40-40 साल का आपका अनुभव है जीवन का, वो अनुभव हमें यहाँ पर चाहिए, वो एक्सपीरियंस को हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस में वापर कर, आपका जो अनुभव डेवलप हुआ, इम्प्रूव हुआ, इसे मैं क्रिस्टलाइज एक्सपीरियंस बोलता हूँ, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बोलता हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस को भी हम और मैच्योरिंग, परफेक्टिंग, रिफाइनिंग करते हुए बढ़ रहे हैं, इसे क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल क्लियर होता है, इस प्रकार का अनुभव हमें अंदर बाहर सब जगह एक साथ देखे, कहीं शंका ना रहे, ट्रस्ट अपने आप ही डेवलप हो, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात नहीं, एक कलेक्टिव ट्रस्ट, म्यूचुअल तो दो में बोलते हैं, हम तो इसको कलेक्टिव ट्रस्ट बोल देते, इट विल बी द मोर देन पावर, मोर पावरफुल देन द गॉड। I am warning to you, all of you, कि जिस दिन ये collective force बनेगी, ये ईश्वर की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर, तो बाबा साहब की इस प्रकार की मॉरलिटी में ताकत, वो मॉरलिटी, करेक्टिव मॉरलिटी जिस दिन डेवलप होगी, वो कॉपरेशन से आएगी, और वो ताकत इतनी बड़ी होगी कि उसका विस्फोट होगा, तो ब्राह्मण बात झेल नहीं सकता। ये बात आप जब समझाने के लिए जाओगे, ये आत्मविश्वास से बोलोगे, आपकी बात पर विश्वास होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में जाके आप बोलेंगे, आपकी बात का विश्वास, ये विश्वास निर्माण करना हमारे लिए, आज आनंद जी ने बाबा साहब के वो संदर्भ देकर आपको वो विश्वास ही दिलाने की कोशिश की, कहीं हम लकुना में हमारी विचारधारा में कमतरता ना हो, कल अमर सिंह ने विचारधारा को प्रोफेसर जॉन डेवे से भरमार की, उसको और सशक्त बनाने की कोशिश की, हमने अशोक से जोड़ा, हम 108 साल का इतिहास जोड़ाते थे, 1848 से लेकर 1956 108 साल का इतिहास बताते थे, हमने 2300 साल का इतिहास जोड़ा, 5 दिन में हमने किस तरह से इतिहास को जोड़ा है, तो आप आगे चल के भी ये देखेंगे हमारे हर सब्जेक्ट इनोवेटिव होने वाले। ये आज जोरी विंडो हम ट्रेनिंग कैंप में इंट्रोस्पेक्शन का देते हैं, पर लेकिन इस समय हमारे पास और भी ज्यादा मॉडल आ गए, PMI, CAF, APC, OPB, ऐसे बहुत सारे टूल्स आए हैं। जब आप ये टूल्स का अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करोगे तो आप अपने आप को 10 गुना सशक्त समझो, क्या बोल रहा हूँ, 10 times मोर पावरफुल यू विल फील कि आई कैन बिकम मोर पावरफुल। मैं अभी एक का एक से मुकाबला करता था, अब मैं 10 का मुकाबला एक साथ कर सकता हूँ। जैसे बाबा साहब 500 ब्राह्मण का मुकाबला करते थे, हमारे लोग
अगर 50 लोग इकट्ठे हो गए और 10 का गुणा किया तो 500, ये 50 लोग कम से कम बाबा साहब के पर्सनैलिटी को, उनकी कैपेबिलिटी को तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आइए तो हम 50 लोग मिलकर 500 ब्राह्मणों का मुकाबला करने की क्षमता वाले बन जाए, वो टैलेंट का मुकाबला करने वाले बन जाए, देखिए कितनी बड़ी ताकत बनती है। और यही संदेश आपको हर जगह पहुंचाना, जितनी जल्दी आप पहुंचाएंगे। आज 50 लोग तो हर हालत में आ रहे हैं, मैंने उनसे 1+1 बोला था, आप एक साथी दो साथी, जरूरी नहीं कोई आपकी कम्युनिटी का हो, इतर कम्युनिटी का जो भी अम्बेडकराइट लगता हो कि इसके कच्चा है, इसको हमारे यहाँ पक्का बना सकते हैं, लाइएगा उसे यहाँ पर। अलग रोजाना कुछ ना कुछ नया उसको मिलकर जाएगा, वो निराश नहीं होगा, वो किसी प्रकार का उसे आलस नहीं आएगा मीटिंग के अंदर आज के। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि आप लोग 1+1 की अपील के साथ कल फिर से ज्वाइन हो। और कल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा धीमंत अमर सिंह चौहान ने प्रोफेसर जॉन डिबे के ऊपर लेक्चर दिया, ये कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके बारे में आखिरी लेक्चर नाहर सिंह का है, नाहर सिंह का लेक्चर एक दिन और पोस्टपोन्ड होगा, वो मंडे को होगा कल।